माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूं। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, ये एक ऐसे विषय हैं जिनको लोग भोगते हैं, जिनको जिनका ट्रीटमेंट लेते हैं और प्रसन्नता से उसका पूरा वर्णन भी नहीं कर पाते। उसका कारण है कि जब हम स्वस्थ हो जाते हैं तो हम उतना वर्णन नहीं कर पाते, परंतु सच ये है कि जो एलोपैथी है, हम जब उसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो तत्काल हमें रिलीफ मिलता है, परंतु उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो हम महीनों और सालों झेलते हैं। मैं स्वयं कैंसर की भुक्तभोगी हूं, मैं स्वयं कई तकलीफों की भुक्तभोगी हूं, परंतु ऑपरेशन के समय मैंने ये तय किया कि ऑपरेशन के समय जो भी एलोपैथी लेनी पड़ेगी लूंगी, परंतु मैं पूरे समय आयुर्वेदिक और एलोपैथी का इलाज करवाऊंगी। महोदय, मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, उसमें एक दवाई मुझे ऐसी दी गई कैंसर की जो पूरे एक महीने में एक बूंद उसी समय लेना होती है जब वो उसका फायदा होता है। महोदय, ये सच है कि मैंने वो रेगुलर दवाई ली और उसका मुझे लाभ मिला। मैंने आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट करवाया जिसके कारण आज मैं खड़े होकर थोड़ी बहुत चल पाती हूं। ये आयुर्वेदिक मैं स्वयं के ऊपर जो मैंने अपना प्रयोग किया है, या मुझे विश्वास है, मेरे पिताजी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, इसलिए बचपन से मुझे उस पर विश्वास है। महोदय, आयुर्वेदिक ये आज की परंपरा नहीं है। जब लक्ष्मण जी को युद्ध में शक्ति लगी और जो वैद्य थे वहां, उन्होंने कहा कि जाइए और वो बूटी उस हिमालय पर मिलेगी, परंतु उसका एक समय है, आप अगर प्रातः के पहले लेकर के आए हैं तो वो समय से भी दी जाती है। हनुमान जी गए, उसको लेकर के आए और लक्ष्मण जी को शक्ति जो लगी थी, सिर्फ एक उपाय वो जड़ी बूटी थी, और वो वैद्य जी के पास पूरा पहाड़ लेकर के हनुमान जी लेकर के आए, परंतु वो वैद्य जी ने उस दवाई को चुना और चुन करके उनको दिया और लक्ष्मण जी स्वस्थ हुए। महोदय, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आयुर्वेदिक औषधियां, होम्योपैथी औषधियां ऐसी हैं कि जिनका समय प्रकृति, शरीर की जो प्रकृति है उस पर आयुर्वेदिक औषधियां तभी बहुत अच्छा प्रभाव डालती हैं जब उनका समय और उसके अनुरूप उनका परहेज किया जाए। महोदय, शरीर और प्रकृति जहां दोनों का अनुकूलन होता है वहां होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट असर करता है, इसलिए परहेज आयुर्वेद में और होम्योपैथी में अधिक बताया जाता है। महोदय, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी पैथी हो, परंतु वो पैथी कभी भी बुरी नहीं होती, वो जीवनदायी शक्तियां होती हैं, परंतु कोई भी डॉक्टर होता है वो 4 और 5 वर्ष की पढ़ाई में डॉक्टर बनता है, पूरे समय वो अपना उल्लेख करते हैं, परंतु महोदय आयुर्वेदिक और एलोपैथी में, दोनों में और होम्योपैथी में असमानता है। मेरा आग्रह है मंत्री जी से कि वो असमानता को दूर करें, और जब पीजी की जाती है तो उस पीजी में जो स्कॉलरशिप मिलती है वो स्कॉलरशिप बराबर मात्रा में करें। धन्यवाद।